हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट सॉल्यूशंस के नए हेल्थ एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपकी बॉडी में पेन रहता है या आपके शरीर में कमजोरी रहती है या फिर आपके बाल झड़ते हैं या आपके शरीर में खून की कमी है? कहने का मतलब है, प्रॉब्लम कोई भी हो, आज एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आपकी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहेगी। तो आज की वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपके घर में है लेकिन आप उसे सही ढंग से नहीं ले रहे। ठीक उसी तरह जिस तरह से हम डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेते हैं, तो डॉक्टर हमें दवाई लेने का सही तरीका, सही क्वांटिटी, सही समय बताता है, लेकिन जो हमारे घर में चीजें हैं जिन्हें हम हर रोज खाते हैं, उन्हें हम बिना समय के, बिना जाने की कितनी क्वांटिटी खाएं, खाते रहते हैं। हम लोग पेट भर खा लेते हैं और बाद में एसिडिटी और गैस से जूझते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो चीज कौन सी है। दोस्तों, वो चीज है अखरोट, यानी कि वॉलनट। अगर आप वॉलनट को सही ढंग से खाना शुरू कर दें तो ये आपकी बॉडी की सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। ऐसे ही नहीं, ड्राई फ्रूट्स को कहते कि ये ड्राई फ्रूट सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ड्राई फ्रूट्स वाकई में शरीर की हर बीमारी को दूर कर सकते हैं। अगर बात करें अखरोट की, तो अखरोट में प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये चीजें इतनी जो मैंने आपको गिनाई, ये सारी चीजें बॉडी की हर एक बीमारी को खत्म कर सकती हैं। जैसा कि प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो इससे आपके मसल्स मजबूत होते हैं और बालों का झड़ना रुकता है। अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिलेगा तो इससे आपका दिल स्वस्थ रहता है। अगर पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स आपको मिलेंगे तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये अखरोट आपकी बॉडी की हर बीमारी सही कर सकता है। चाहे आपको डायबिटीज हो, बाल झड़ते हो, घुटनों में दर्द हो, इंडाइजेशन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको मैं अखरोट खाने का सही तरीका बताऊंगा। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हमारी बॉडी में दर्द होता है तो आजकल ज्यादातर लोग मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या आपको ये पता है कि अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? दोस्तों, अगर कहीं भी बॉडी में पेन है तो इसका मतलब है उस बॉडी पार्ट में कोई गड़बड़ी है। जैसे कि अगर आपकी किडनी में पेन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पेन किलर ले लो। किडनी में पेन का मतलब है किडनी में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। या तो आपकी किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं या ट्यूमर हो सकता है या कोई भी ऐसी बीमारी हो सकती है। उसी तरह अगर आपके सिर में दर्द है तो इसका मतलब ये नहीं कि पेन किलर ले लो। सिर दर्द का मतलब है आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकती है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना या ब्लड प्रेशर का कम होना भी सिर दर्द का कारण हो सकता है। इसीलिए जो लोग दर्द को ठीक करने के लिए पेन किलर्स लेते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से प्रॉब्लम को दबा देने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती, उसी तरह से बीमारी को दबा देने से बीमारी खत्म नहीं हो जाती। अगर आप ऐसा करते हैं, यानी अगर आप पेन किलर्स लेते हैं, तो जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो बड़ी बनकर आपके सामने आती हैं। जैसे कि छोटी सी सिर दर्द की प्रॉब्लम माइग्रेन की प्रॉब्लम बन जाती है, छोटी सी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम अस्थमा की प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए आप पेन किलर्स बिल्कुल न लें। और अगर आपकी बॉडी में पेन है तो ये अखरोट आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि अखरोट के अंदर वो सारी चीजें हैं जो बॉडी को एकदम फिट करती हैं। आइए जानते हैं अखरोट को किस ढंग से खाएं ताकि हमारी बॉडी को भरपूर फायदा मिले। दोस्तों, अखरोट को खाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, आप अखरोट की एक मुट्ठी भर गिरियों को रात को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट अखरोट की गिरियों को खाएं और उस पानी को भी पी जाएं। और दूसरा तरीका अखरोट लेने का है कि आप रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में मुट्ठी भर अखरोट को अच्छे से उबालें। 5-10 मिनट उबालने के बाद इसमें थोड़ा सा जागरी या फिर शहद मिलाएं, उसके बाद इसका सेवन करें। दोस्तों, इन दोनों तरीके से अगर आप अखरोट का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहेगी। ऐसी जो बीमारियां जो इससे दूर होंगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि अखरोट अगर इस तरीके से आप खाते हैं तो बॉडी में इतनी बीमारियां दूर होती हैं कि मैं आपको इस वीडियो में पूरी बता भी नहीं सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको कन्विंस करने के लिए कुछ ऐसी बड़ी बीमारियां बताता हूं जो आजकल कॉमन है और हर घर में है। तो ये शुरुआत करते हैं पहली बीमारी से। दोस्तों, पहली बीमारी है हेयर फॉल। अब आप कहेंगे मैं इसे बीमारी क्यों कह रहा हूं? दोस्तों, ये बीमारी ही तो है। अगर हर एक बंदे को इससे प्रॉब्लम है तो ये चीज बीमारी ही है। अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं तो आपको बाहर से किसी तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, यानी कि शैंपू, सीरम, ऑयल ये आपके लिए उतना काम नहीं करेंगे जितना काम आपके लिए डाइट करेगी। कारण क्या है? बालों की दोस्तों जड़ें होती हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं। पेड़ पौधों को आप जितना भी स्प्रे कर दें उससे उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा उसकी जड़ में खाद डालने से होगा।
ठीक उसी तरह अगर आप अपने बालों को मजबूत करना चाहते हैं या बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं तो बाहर से स्प्रे करने से कुछ नहीं होगा, आपको अंदर से कुछ ऐसा खाना होगा ताकि आपके बालों की जड़ों को मजबूती मिले। आपके बालों को चाहिए क्या? प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा विटामिन ई आपके बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें आपको अखरोट में मिलती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बताए तरीके से हर रोज अखरोट खाना शुरू कर दें तो आपके झड़ते हुए बाल एक महीने में झड़ने बंद हो जाएंगे, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ही नहीं। इसके अलावा दोस्तों, आप दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी की हार्ट अटैक की खबर तो सुनी लेते हैं। क्या आपको पता है कि भारत में हर एक मिनट में कोई ना कोई इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है, यानी कि जितने में आप इस वीडियो को देखेंगे उतने में 10-15 लोगों को हार्ट अटैक आ चुका होगा। हार्ट अटैक की इतनी परसेंटेज बढ़ी क्यों? दोस्तों, कारण है हमारी डाइट। सिर्फ अगर जो चीज आप खाते हैं उसे सही ढंग से खाएं तो आपका दिल हमेशा स्वस्थ रहेगा। हमारे दिल को मजबूत करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और दूसरा पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये दोनों चीजें हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती हैं, दिल को मजबूती देती हैं और ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी अखरोट में। दोस्तों, जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये लगता होगा कि शायद अखरोट थोड़े महंगे हैं तो ना खाएं, लेकिन दोस्तों ये सोचना बिल्कुल गलत है। जब बीमारी आ जाती है तो लाखों रुपए मिनटों स्किंटों में खर्च हो जाते हैं, लेकिन हम लोग अपनी डाइट के लिए सोचते हैं कि थोड़ी सस्ती चीजें खाएं। कुछ लोग सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट्स सिर्फ मेहमानों के सामने रखने हैं। दोस्तों, ये ड्राई फ्रूट सिर्फ मेहमानों के सामने रखने की चीज नहीं है, ये खाने की चीज है। काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये सारे विटामिन और मिनरल से भरपूर हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल की टैबलेट्स लेते हैं, यानी सप्लीमेंट्स लेते हैं और दूसरी ओर ड्राई फ्रूट्स खाते नहीं है। दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत बात है। आपको अगर बॉडी में विटामिन मिनरल्स की पूर्ति करनी है तो ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू करो। अगर आप मेरे बताए तरीके से हर रोज अखरोट का सेवन करते हैं तो आपको जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, एक ऐसी बीमारी जिससे आजकल पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन आपको वो बीमारी नहीं होगी क्योंकि आप अखरोट खा रहे हैं। तो प्लीज आप अखरोट को आज से ही हमारे बताए तरीके से खाना शुरू करें। इसके अलावा भी दोस्तों, ऐसी कई बीमारियां हैं जैसे कैंसर की बीमारी। आजकल जगह जगह कैंसर हॉस्पिटल्स खोल गए हैं। कारण क्या है कि कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ गई है। ब्रेन कैंसर, स्टमक कैंसर, लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर, इतने तरह के कैंसर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, कैंसर की बीमारी क्या है? ये सिर्फ बॉडी में डेड सेल्स हैं। डेड सेल्स अगर बॉडी में पैदा हो जाएं तो ये कैंसर बन जाता है और वो ऑर्गन खराब हो जाता है। यानी कि अगर आपके स्टमक में कैंसर हो जाए तो आपके कॉलन या फिर आपके पेट के अदर ऑर्गन्स पर इसका इफेक्ट होता है और वो फेल हो जाते हैं। इसका सीधा सा इलाज क्या है? आप कुछ ऐसा खाओ जो लिविंग हो। दरअसल जो चीजें हम खाते हैं वो खुद ही डेड होती हैं और डेड चीजों को खाने से हमारी बॉडी में डेड सेल्स बढ़ने लगती हैं और इससे ही कैंसर होता है। जैसे कि अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो फास्ट फूड भी कैंसर का कारण बन सकता है, क्योंकि फास्ट फूड में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपकी बॉडी को ताकत दे। लेकिन वहीं अगर आप अखरोट का सेवन करते हैं तो अखरोट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और अखरोट खाने से आपकी बॉडी कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच सकती है। दोस्तों, इसके अलावा मेल्स में इनफर्टिलिटी होना आज की मेजर प्रॉब्लम है। आजकल अगर आप इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपको लगता होगा कि डॉक्टर से दवाई लेकर आते हैं। दोस्तों, डॉक्टर्स की दवाइयां बहुत साइड इफेक्ट्स करती हैं, क्योंकि आज की ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की दवाइयां हैं इनमें कोई दवाई नहीं जिसका साइड इफेक्ट ना हो, और आयुर्वेद में ऐसी कोई दवाई नहीं अगर उसे सही ढंग से ले तो उसका साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। इसी तरह से अखरोट आप खाते हैं तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन मेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ये चुटकियों में दूर करता है। अगर आप हमारे बताए तरीके से अखरोट खा रहे हैं तो 1 से 2 महीने में मेल्स में स्पर्म काउंट डबल हो जाता है और मेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप रात को दूध में अखरोट का सेवन कर रहे हैं तो आपको नींद बहुत ही अच्छी आएगी, यानी कि आपका जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके हाथों में, पैरों में कहीं भी दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, शरीर में कमजोरी रहती है, तो ये अखरोट आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अखरोट में इतनी एनर्जी होती है कि ये हमारी बॉडी में सभी तरह के दर्द को सही कर बॉडी को एक्टिवेट करता है। बहुत से लोग बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेटर कैप्सूल्स खाते हैं। पता नहीं कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में जिनको हम खाने लगते हैं। बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए आपको किसी एक्टिवेटर टैबलेट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अच्छी डाइट की जरूरत है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन हम लोग हैं कि हमने इस लॉकडाउन का भी पूरा फायदा उठाया, घर में अलग अलग रेसिपीज बनाकर हमने अपनी बॉडी को जो खराब किया, दोस्तों इसका परिणाम आपको पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अच्छा खाना खाएं, क्योंकि हमारा शरीर वही बनता है जो हम खाते हैं। इसीलिए
कहते हैं, वी आर व्हाट वी ईट, यानी जो हम खाते हैं वही शरीर है। तो अच्छा खाएं, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अगर गलत खाएंगे तो फिर हेयर फॉल, हार्ट अटैक, ऐसी कई बीमारियां हैं जो आपको हो जाएंगी। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारा गलत खान पान हमें बीमारियां देता है और किस तरह से सही चीजें खाकर हम सारी बीमारियों को खत्म भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि इससे दूसरों का भी फायदा हो सकता है। वीडियो को शेयर करना बहुत ही आसान है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें और इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।